राजधानी में लोगों को लगेगा महंगाई का करंट। जी हां, 10 फीसदी तक बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। DERC ने दे दी मंजूरी, दिल्ली में अब बिजली महंगी हो सकती है। DERC ने पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट के माध्यम से दिल्ली में बिजली शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब VSES क्षेत्रों में बिजली की खपत लगभग 10 फीसदी तक महंगी हो जाएगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला दिल्ली सरकार को लेना है। फिल्मी अभिनेता अर्जुन कपूर अपना जन्मदिन इस बार मना रहे हैं कुछ खास तरीके से। जी हां, अर्जुन कपूर अभिनेता हिंदी सिनेमे में अपनी अलग जगह तो बना ही ली है। एक परोपकारी इंसान के रूप में भी उनकी भिन्न भिन्न छवियां अक्सर सामने आती रहती है। इस साल अर्जुन कपूर अपना जन्मदिन एक विशेष तरीके से मना रहे हैं और ये खास तरीका है जन कल्याण के लिए। अर्जुन कपूर का अपने खास कपड़ों की नीलामी की। इस बिक्री से प्राप्त रकम अर्जुन कपूर उन बच्चों पर खर्च करने का इरादा रखते हैं जिन्हें फुटबॉल से प्रेम है और जो स्कूल आने से कतराते हैं। क्यों भारतीय टीम ने नहीं चुने गए सरफराज? BCCI अधिकारी ने बताई बड़ी वजह और फिटनेस को लेकर भी उठे सवाल। जी हां, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में सरफराज खान का चयन नहीं हुआ है और इस पर काफी बवाल हो रहा है। इसके बाद BCCI अधिकारी ने बताया है कि खराब फिटनेस के कारण सरफराज का चयन भारतीय टीम में नहीं हो रहा। मणिपुर में सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई, सर्च अभियान ने 12 बंकर किए तबाह और अब तक 135 गिरफ्तार। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में राज्य पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। पिछले 24 घंटों में हिंसा प्रभावित मणिपुर के विभिन्न जिलों में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर उग्रवादियों द्वारा बनाए गए 12 बंकरों को नष्ट कर दिया। ये सभी 12 बंकर पहाड़ी और घाटी इलाकों में बनाए गए थे, पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी। पायलट ने बीच रास्ते में ही छोड़ा प्लेन, 6 घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे यात्री। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से रविवार को 3 इंटरनेशनल और 2 डोमेस्टिक फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई थी। इनमें से एयर इंडिया की 2 स्पाइस जेट की 2 और गल्फ स्ट्रीम की 1 फ्लाइट थी और वहीं इसी दौरान एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट को उनके पायलट ने ड्यूटी टाइम पूरा हो गया कहकर जयपुर में ही छोड़कर चला गया। फ्लाइट में सवार करीब 150 पैसेंजर 6 घंटों तक जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। बाद में बाय रोड उन्हें दिल्ली भेजा गया।